वक्त साइडलाइंस मुलाकातें होंगी, कैसे कैश कराएगा पाकिस्तान अपने आप को? जी बिल्कुल, मैं यानी उसी तरफ आ रहा हूँ। ये दो तरफा दौरा नहीं है, ये एक यूं समझिए कि मल्टीलैटरल एक इजलास हो रहा है जिसको चाइना होस्ट करेगा। अब उसकी साइडलाइंस या मार्जिन्स पे जो है वो डिपेंड करता है हमारे मिशन पे, जो हमारी हमारी जो एम्बेसी है बीजिंग में, कि वो किस हद तक कामयाब होती है कि जो बाकी सरबराहाने मुमलिकत आ रहे हैं, और इस सेंसिटिव माहौल में जबकि पूरी दुनिया में इस वक्त सिर्फ एक चीज गूंज रही है और वो है हमास और इसराइल की जंग जो शुरू हुई है, तो एक बहुत अच्छा मौका है। अगर सिर्फ चीन के साथ ही, जो कि मुलाकात डेफिनेटली होगी, अगर चीन के साथ ही बैठ के कुछ यानी मशवरे हो जाए तो बड़ा अच्छा होगा, क्योंकि पाकिस्तान ने तो अपना जो यानी जो पोजीशन है वो बड़ी यानी वजाहत के साथ बता दी है कि हमारा स्टैंड वही है जो कि पहले था कि टू स्टेट सोल्यूशन हो। अब यह कि सिर्फ BRI या CPEC की ही बातें नहीं हो, उसमें सियासी और सिफारती महाज पे जो चीजें हैं और जो दो तरफा ताल्लुक है, और आपने सुना होगा कि कुछ मुआहदों की बात हुई कि कुछ MOU साइन होंगे, एग्रीमेंट होंगे। ये भी याद रहे कि चीन दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसके साथ पाकिस्तान के तादाद के लिहाज से सबसे ज्यादा मुआहदे हैं, MOUs हैं, एग्रीमेंट्स हैं। अब उसमें बात सिर्फ आ जाती है कि MOUs और एग्रीमेंट्स तो आपने साइन कर लिए, अब उनकी इंप्लीमेंटेशन भी होनी चाहिए ना। इधर हम थोड़ा सा पीछे हैं।